डोईवाला में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अघोषित विद्युत कटौती बंद की जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है, पर उत्तराखंड की जनता बिजली की समस्या को लेकर परेशान है। डोईवाला में हर रोज कई घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबारियों व आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग ना तो विद्युत कटौती को लेकर कोई नोटिस जारी करता है और ना ही बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ खुलेआम बिजली विभाग द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि डोईवाला में बिजली कटौती पूरी तरह बंद की जाए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता आम जन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने कहा कि यहां पर जनता परेशान है और क्षेत्रीय विधायक यहां रहने की वजह राजस्थान में घूम रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि सागर मनवाल ने कहा कि इन लोगों को बिजली कटौती करनी ही है तो फिर ये लोग समय निर्धारित कर दें, बेसमय बिजली कटौती करने से बहुत नुकसान होता है। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि अभी त्योहार का सीजन है और यही छोटे मोटे व्यापारियों के कमाने का सीजन है, बिजली कटौती की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस डोईवाला विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज बनकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, उससे विपरीत जो क्षेत्रीय विधायक है वो पिछले कई दिनों से अपनी विधानसभा में नहीं है। इतनी बड़ी आपदाओं से यहाँ क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ी है, स्कूलों की छतें टपक रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कई सड़कें तो ऐसी हैं जो पूरी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। हर तरीके से त्राहिमाम इस क्षेत्र में मचा हुआ है और विधायक यहाँ पर नहीं है, विधायक राजस्थान में घूम रहा है, तो बड़ा अफसोस होता है। अभी ये देखिए, कई दिनों से अब जैसे बारिश नहीं हुई है, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, सारे नलकूप बंद हैं, उससे पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती, सारा सिस्टम बिजली से जुड़ा हुआ है। अगर इन्होंने रोस्टिंग करनी है तो उसका एक टाइम फिक्स कर दें, 2 घंटा रोस्टिंग कर दें, उसमें अखबार में निकाल दें, तो कम से कम हर किसान, हर जो भी मजदूर है वो उसी हिसाब से चलेगा। अभी इनका तो ये सिस्टम है ना कि लाइट अभी बंद कर दी, फिर थोड़ी देर में फेस कर दिया, कभी ये फेस उल्टे कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे सारे पेयजल के नलकूप हैं, चाहे जलस्थान इसके सिंचाई विभाग के नलकूप हैं, सब खराब होते हैं। रोस्टिंग की उसमें अभी देखिए कितनी, अभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका जो काम धाम जिस चीज़ से चलता है उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग एक्शन ऑफिस में आए, अभियंता के ऑफिस में, और हमने एक सांकेतिक धरना, बड़े शांत स्वरूप से हम यहाँ पे बैठे हुए और उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे, आप नियमानुसार रोस्टिंग कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप बेवजह अगर प्रत्येक दिन रोस्टिंग की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।